तो आज है मेरा सऊदी अरब में 606वां दिन और आज के इस व्लॉग में मैं आपको मदीने की कुछ ऐसी प्लेसेस पे लेके जाने वाला हूँ जिनमें से कुछ पे तो मैं भी पहली बार जाने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ड्यूटी खत्म करके मैं जल्दी जल्दी आ जाता हूँ, अपना बैकपैक रेडी करके फटाफट से निकल जाता हूँ मदीने की बस पकड़ने के लिए। ऐसा है शरफिया कम आशरा दायमन आशरा 10 रियाल में हर हफ्ते जा रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे। और शरफिया के बारे में तो अब तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये वो प्लेस है जहाँ से मदीने के लिए बसेस मिलती है। अरे हाँ भाई हाँ। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपना मदीने का टिकट बुक करने और बहुत दिन हो गए थे मुझे शरफिया के लखनवी चपली कबाब खाए हुए, तो सोचा कि चलो आज आ ही गए हैं तो ले ही लेते हैं। बस में बैठकर हर बार की तरह फैमिली लेके आए हुए लोगों की सीट्स पे से होने वाली फाइट देखते देखते मैं अपने चपली कबाब खा ही रहा था कि मेरे पप्पा का कॉल आता है कि बेटा कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद हमारी बस का सफर शुरू हो गया दोस्तों। अब इससे पहले जितनी भी मर्तबा मैं मदीना आया हूँ ये उन सब में से पहली हुआ था कि हमारी बस गज़वाए बदर यानी जंगे बदर के मैदान में रुकी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बस सीधा मस्जिद कुबा पे रुकती है और मैं भी पहली बार इस जंगे बदर के मैदान की जियारत कर रहा हूँ। एक्चुअली ये रात का टाइम है इसलिए आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद हमारी बस हमें ले आती है फजर की नमाज के लिए सीधा मस्जिद कुबा। तौबा तौबा नहीं कोई तुझ सा नहीं ए रसूले आमी खत्म अल मुरसली। अब यहाँ से वापस जाते हुए मेरी नजर पड़ जाती है इस हैप्पी और नॉट पे। तो भाई मैं तो बहुत हैप्पी था क्योंकि मैं मदीने के सफर पे था, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो इसके बाद इसने फौरन पूछ लिया कि क्या अच्छा लगा है आपको, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया निजाफा यानी क्लीनिंग। इसके बाद इसने एक की पैड ओपन करके रख दिया मेरे सामने। तो मैंने इसको बोला कि भैया तेरे सवाल जवाब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं मेरा बस ड्राइवर मुझे छोड़ के आगे ना निकल जाए। फिर यहाँ से हमारी बस ने अगला स्टॉप लिया शुहदाए ओहद की बारगाह में। हमने शुहदाए ओहद की बारगाह में सलामी पेश किया। यहाँ पे एक मैप भी बनाया गया है दोस्तों जिसमें ये बताया है कि इस जगह से मुसलमान आए थे और इस जगह से दुश्मन। यहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ मस्जिद नबवी में। क्या रब क्या जम सब है जेरे नगी तौबा तौबा नहीं कोई तुझ सा नहीं ए रसूले आमी खत्म अल मुरसली तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसित कोई। दरबार में हाजिरी लगाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ गेट नंबर 310 पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पप्पू मुझे लेने के लिए आने वाले थे। यहाँ से फिर मैं रूम पे चला गया। उसके बाद जुमा की नमाज का वक्त हो गया तो हम लोग जुमा की नमाज के लिए 10 बजे के आसपास मस्जिद नबवी में आ गए थे, क्योंकि लेट होने पर मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती है दोस्तों। तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूले आमी खत्म अल मुरसली। अल्लाह का करोड़ एहसान है कि मैं उसके हबीब के दर के सामने बैठा हुआ हूँ इस वक्त, गुम्बदे खजरा के दीदार कर रहा हूँ। आंखों को ये यकीन ही नहीं होता है दोस्त कि एक्चुअल में हम यहाँ पे गुम्बद के दीदार कर रहे हैं, मस्जिद नबी में बैठे अभी जो है हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले हैं जुमा की, और जुमा की नमाज पढ़ के फिर हम लोग जाने वाले हैं बाहर देखने। आज का हमारा प्लान जो हमने की है पप्पा पप्पी के साथ में, देखते वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। लास्ट टाइम अजहर के साथ में हमने प्लान किए थे ज़ियारतों का लेकिन वो फेल हो गया था, तो अभी देखते हैं। अभी मैंने यही सोच के आया हूँ, पप्पा को बोला भी था कि हम लोग ज़ियारतों के लिए जाते हैं साथ में, एक अच्छा लगता है साथ में जाने, तो अभी देखते हैं हम लोग जाके हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल होता है इस मदीने में ज़ियारतों का, मुकद्दस मकामों की। और जब भी मैं मदीना शरीफ में आता हूँ और तो कुछ लाइनें याद आती है मुझे, और वो लाइनों की वजह से मुझे मेरे दादा की याद आती है, और वो लाइनें ये है कि जो मेरे दादा पढ़ा करते थे बहुत ज़्यादा, अल्लाह हो गनी देखी क्या शान मदीने में, अनवार की बारिश है हर आन मदीने में, जाने भी तो क्या जाने समझे भी तो क्या समझे, है अकल ये बेचारी हैरान मदीने में। मेरे दादा की बहुत बहुत दिली ख्वाहिश थी मदीने देखने की,
लेकिन वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नसीब वाले हैं कि हम 10-10 बार मदीने में आ रहे हैं। और क्या ही चाहिए लाइफ। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना बैठे बैठे कि मैं अगर कुछ ना भी कमा लूँ इस सऊदी अरब में आके, तो मैंने मक्का और मदीना तो कमा लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्होंने दुनिया भर की कमाई कर ली है, लेकिन वो मदीना और मक्का नहीं आ सके। और तुम्हारा भाई जहाँ जब दिल करा तब मदीना और जब दिल करा तब मक्का आ जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरे बाजू में एक गुजराती अंकल बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज है। मैंने बोला, अंकल ये ट्राइपॉड है जिसमें मैं अपने मोबाइल का एंगल सेट करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इन्होंने बोला कि 2 मिनट क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने इनको ट्राइपॉड दिया, तो इन्होंने अपना मोबाइल इसमें लगा के कुरान रीड करने लगे। तो मैंने बोला, अंकल ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से बाहर निकले और लोकेशन पे हम लोग नमाज के बाद आने वाले थे, वहाँ पे हम तीनों मिले। वहाँ से निकल गए हम लोग खाना खाने के लिए। अब दोपहर का खाना खाना था और भूख भी बहुत लगी थी। और जिस रेस्टोरेंट को हमने सिलेक्ट किया था जाने के लिए, वो मस्जिदुल नबवी से हरम शरीफ से काफी करीब था। लेकिन करीब होने के बावजूद भी यहाँ की धूप हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि हम लोग पैदल जाए। तो इसके लिए हमने टैक्सी किया और आ गए सऊदी अरब के एक ऐसे यूट्यूबर के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जिसके रिकमेंड किए हुए रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने मक्का में खाना खाया था। तो सोचा चलो इस बार हम लोग मदीने में खाना खाने वाले हैं, तो हम उन्हीं भाई साहब के रेस्टोरेंट पे जाते हैं। क्योंकि सऊदी अरब में ये भाई साहब जो है पूरे सऊदी के खानों का रिव्यू करते हैं, चाहे देसी खाना हो या सऊदी खाना हो, ये भाई साहब रिव्यू करते हैं। चिकन 65 गरम गरम जबरदस्त, लेकिन ये उस तरह की आइटम है कि आप रोटी के बगैर भी खाएं, मतलब इस तरह। तो हमने सोचा कि चलो इन्हीं का रेस्टोरेंट जो कि मदीना शरीफ में है, तो इसका रिव्यू करके हम देखते हैं कि ये लोगों को क्या टेस्ट दे रहे हैं। और इतने भी बार मैं यहाँ आया हूँ, उसमें से कभी नहीं गया था यहाँ पर खाने के लिए, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाला हूँ। और मेरे पुप्पा पुप्पी भी साथ में आए हुए थे, तो हम लोग इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ का खाना इनको कैसे लगा। और अगर इनको पसंद ना आया खाना, तो हम लोग अब्दुल मलिक फरीद भाई को टैग करके ये बात तो जरूर बताएंगे। उसके बाद एक भाई साहब यहाँ पर आ गए जिन्होंने हमको मेन्यू पकड़ा दिया। तो हमने इनको खुद पकड़ के बोला कि भाई आप ही कुछ बता दो कि हम लोगों को अच्छा लगे खाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या स्पेशल है आपके यहाँ पे? बारबेक्यू चॉइस करें, कढ़ाई चॉइस करें। कढ़ाई में स्पेशल है मैंने सुना, कढ़ाई में स्पेशल जो हमारा ज्यादा जो ऐसा दो जो हम खाने के बाद में वापस बोले सर। इंशाल्लाह मटन कढ़ाई में ये हो गया, चिकन में ये हो गया, बगैर सब फ्लेवर है। अच्छा मटन वाला क्या? जी मटन कढ़ाई। ये आगे देख लें, ये एक प्लेट है, ये हाफ है, ये 1 kg है, आप डिसाइड कर लें, फिर मैं ऑर्डर ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों हमने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद हम इंतज़ार करने लगे हमारे ऑर्डर आने का। उसके बाद हम फिर से इंतज़ार करने लगे हमारे ऑर्डर आने का। उसके बाद हम फिर से इंतज़ार करने लगे हमारे ऑर्डर आने का। एक्चुअली दोस्तों उसके बाद हमने इन भाई साहब को पूछ भी लिया कि ये अब्दुल मलिक फरीद का ही रेस्टोरेंट है ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल मलिक भाई का है ना रेस्टोरेंट? जी। तो फिर आदमी एक ही आदमी है यहाँ पे? एक्चुअली ऑर्डर आने में टाइम नहीं लग रहा था दोस्तों। इन्होंने जब हमसे ऑर्डर लिया तभी हमको बता दिया था कि 15 से 20 मिनट लगेंगे आपका ऑर्डर आने में। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया। एक्चुअली मंगाया था यहाँ पे मटन कढ़ाई और इनका मिक्स प्लेटर। उसके बाद जैसे ही मैं 2-3-4-5-6 बाइट्स लेता हूँ, तो मैं ये भाई साहब को बुला के बताने ही वाला था कि भाई ये 200 रियाल है। भाई आपने खाना लाने में जरूर देर की है, लेकिन जो खाना लाके दिया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन जब भूख ज्यादा लगी हो और खाना भी बहुत मजेदार हो, ना ही रिव्यू निकलता है, ना ही रिएक्शंस और ना ही वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो मैंने अपना कैमरे को साइड में रखा और फुल कॉन्सेंट्रेट खाने पे किया। हमारा खाना हो गया था दोस्तों, जिसमें हमको इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि इतना अच्छा लगा है इनका टेस्ट कि जब भी मैं अब मदीने आने वाला हूँ, तो इनके रेस्टोरेंट पे जरूर खाना खाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे हमको अब्दुल मलिक फरीद तो नहीं मिले थे, लेकिन हमको यहाँ पे इनके भाई मिल गए थे, जिनसे हमने 1 मिनट बात की। और बातों बातों में ही इनसे हमने पूछ लिया कि भाई खाना आने में आपके टाइम क्यों लगता है। तो जिसके जवाब में इन्होंने हमें ये रीजन दिया, आने में देर का मसला ये है कि हम हर चीज़ फ्रेश तैयार करते हैं ना, तो हम आप डन करके रखते हैं और ना ही पहले तैयार करके रखते हैं। जो ऑर्डर हमें मिलता है उस पर तैयार करते हैं, जो फ्रेश होता है आपको पता है उस पर टाइम लगता है। अच्छा, क्वालिटी देते हैं इसलिए थोड़ा, इसलिए एक एक बोटी जो था एकदम फ्रेश था, एकदम क्वालिटी भी उसका एकदम जबरदस्त था, ऐसा हमने इससे पहले इधर नहीं खाया है खाना। अच्छा, इनका रीजन भी सही था दोस्तों, क्योंकि इनके
खाने की क्वालिटी जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी और इनका गोश्त और इनकी जो सीख है का टेस्ट भी बहुत लाजवाब लगा मुझे। तो अब और यहाँ पे ये आवाज़ सुन के तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अब्दुल मलिक की कोई वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि इनके भाई की भी आवाज़ सेम उन्हीं की जैसी थी। और यहाँ से खाना खा के ऐसी मीठी नींद आने वाली थी दोस्तों। लेकिन इस बार हमको मदीने की ज़ियारतों का प्लान कैंसिल नहीं करना था, इसलिए हम लोगों ने फटाफट से टैक्सी पकड़ा और निकल गए ज़ियारत। सबसे पहले तो हम आए मस्जिद शुहदाए ओहद में और यहाँ पे हमने असर की नमाज अदा की। उसके बाद शुहदाए ओहद की बारगाह में दिन में दूसरी बार आ गए थे सलामी पेश करने। यहाँ पे हमने सलाम पेश किया, इसके बाद हम लोग निकले। उसके बाद हमारी टैक्सी का नेक्स्ट स्टॉप था मस्जिद किबलतैन। ये वही मस्जिद है जहाँ पे किबला चेंज हुआ था दोस्तों। यहाँ पे भी हमने नफिल अदा की, यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा और उसके बाद हमारी टैक्सी सीधा निकल गई हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे जो था मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा में भी आज हम सुबह में आए ही थे। यहाँ पे आने के बाद फिर से हमने नफिल पढ़ी, यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा और यहाँ से हम लोग निकल गए हमारे अगले स्टॉप। हमारा अगला स्टॉप था जन्नत का कुआ बीरे गर्स। ये वही कुआ है दोस्तों जहाँ पे हुजूर तशरीफ भी लाए थे और हुजूर ने यहाँ का पानी भी पिया था और हुजूर ने अपना लुआबे दहन इस पानी में मिलाया था और आज तक सभी लोग इस पानी को पीते हैं। और ये वही खुशनसीब पानी है दोस्तों जिससे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुसल दिया गया था। ये आपकी वसीयत थी और हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु इस कुएं का पानी लेकर गए थे आपको गुसल देने के लिए। यहाँ से हमने भी पानी पिया, इस कुएं की जियारत की। ये कुआ एक जन्नती कुआ है दोस्तों। यहाँ से हमारी टैक्सी का नेक्स्ट स्टॉप था सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु के खजूर के बाग में। यहाँ पे भी हमने काफी अच्छा टाइम गुजारा। यहाँ पे हमने इस बाग की जियारत की। ये वही बाग है दोस्तों जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के पेड़ लगाए थे और यहाँ पर भी मैं फर्स्ट टाइम आया था। इसके बाद दोस्तों ये सारी जियारत करके बहुत ही ज्यादा दिल खुश हो गया था और इन सारी जियारतों के बारे में ज्यादा डिटेल्स अगर मैं बताने जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ से हम लोग रूम पे आ गए और इतना थक गए थे कि सीधा सो गए। मुझे नहीं पता है कि अभी नेक्स्ट व्लॉग मेरा किस चीज पे आने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल को जब तक के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये लेकर और ये मिक्स प्लेटर के अंदर मिक्स इन ऑल जी, ये सारा मिक्स। तो एक ये वाला लेकर आ जो 2% वाला। यस जी, ये दो चीज लेकर आ। भूख लगी शुगर की पेशेंट। 15 मिनट लग गए। ओके जल्दी अभी तैयार क्या है ऑर्डर? अब आप बोलेंगे तो हम ऑर्डर करेंगे उसी वक्त तैयार हो गए। हां आवाज जी। ओके सर 15 मिनट।